बहुत से इनके स्टूडेंट्स हैं उनको भी टीच कर रहे हैं और हमारी यंगस्टर्स जो हैं उनको अपनी 16 साल की एज में आईटी में आ गया था। अच्छा, सबसे पहला मेरा स्टार्ट क्रिप्टो से ही था। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ उनकी सक्सेस स्टोरी कवर करके मुझे बहुत अच्छा लगा उनका इंटरव्यू। मैंने स्किप कर दी बेसिकली, वो मुझे हलाल नहीं चला लगा ये। ओके ठीक है, ठीक है। स्किप करने के बाद मैं आईटी, ये वर्ल्ड ओवर मीटिंग होती है हर मंथ जिसमें पूरी दुनिया के लोग अटैच होते हैं गूगल मीट के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग के बाद मैं डेवलपमेंट में आ गया, फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी मेरी कंप्लीट है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैंने अब अल्फा क्रीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर का डायरेक्टर हूँ। अभी आप प्रेजेंट देख रहे हैं कि टोटली सब कुछ हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन है और अभी इतना एडवांस है तो आने वाला कितना एडवांस होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कामरान सिकंदर, ऑन न्यूज़ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ और आज एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी आपके साथ हम शेयर करेंगे। यकीनन आपके लिए बहुत इंस्पायरेशनल वो स्टोरी होगी। मेरे साथ एक यंगस्टर आईटी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में आईटी में अपना एक अलहदा नाम और मकाम बनाया और इस वक्त पाकिस्तान को भी सर्व कर रहे हैं और बहुत से इनके स्टूडेंट्स हैं उनको भी टीच कर रहे हैं और हमारी यंगस्टर्स जो हैं उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो आईटी में कितना नाम बना सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो हमारे साथ मौजूद हैं मलिक उज़ैर अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम अमजद भाई, इतनी कम एज में आपने माशाल्लाह बड़ा कुछ कर लिया, तो ये कैसे हो गया? अभी भी आप माशाल्लाह 22-23 ईयर्स ओल्ड हैं, तो मैंने सुना है, मुझे पता चला कि आप जब 15 या 16 ईयर्स ओल्ड थे तो आप तभी से इस फील्ड में आ गए थे। जी बिल्कुल, कुछ बताइए। मैं अपनी 16 साल की एज में आईटी में आ गया था। अच्छा, सबसे पहला मेरा स्टार्ट क्रिप्टो से ही था। ओके, तो क्रिप्टो को मैंने यूट्यूब से देखा था, मैंने वैसे एक ऐड आया था तो जिसके थ्रू मैंने आगे सर्चिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, ऐड के थ्रू सर्च करते करते मेरा कॉन्टेक्ट वकार दक्का के साथ हो गया। ओके ठीक है। अच्छा, वकार दक्का के साथ सिखाने वाला क्रिप्टो मुझे वही था। ओके, वकार दक्का ही था। वकार दक्का ने मुझे क्रिप्टो सिखाई, क्रिप्टो सिखाने के बाद मैं उसकी चेन में शामिल हो गया। अच्छा, चेन में शामिल हो गया। क्रिप्टो को लॉन्च करने वाले पाकिस्तान में मैं और वकार दक्का की टीम था, जिसका टीम मेंबर मैं खुद ही था। ओके, क्रिप्टो मैंने स्किप कर दी बेसिकली, वो मुझे हलाल नहीं चला गया। ओके ठीक है, ठीक है। स्किप करने के बाद मैं 16 के एंड पे ही अमेज़न में एंटर हो गया था मैं। ओके ठीक है, अमेज़न में अमेज़न एक्सपर्ट भी हैं आप? जी बिल्कुल, अमेज़न में जब मैं एंटर हुआ तो मेरे जो टीचर हैं जिनसे मैंने स्कैमिंग करते करवाते करवाते मैं जब अमेज़न सीखने के लिए निकला था तो मैंने 5 से 6 लोगों से ही अमेज़न सीखा हुआ है और तकरीबन 3-4 लाख रुपए मैंने ज़ाया भी किया था। ये 16 की बात करा, पैसे की वैल्यू बहुत थी, बहुत आज का समझने के 12-15 लाख रुपए आपने ज़ाया किया। 1-2 लाख का ये बहुत ज़्यादा थे, अब कुछ भी नहीं है। तो तब मैंने इसी तरह जो मेरे लास्ट जिन्होंने मुझे ये सारा कुछ सिखाया था वो हाफिज़ अहमद थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, उनको मैं आज भी दुआ में याद रखता हूँ। उन्होंने मुझे फिर अमेज़न के ऊपर वर्किंग करनी सिखाई। 16 में मैंने फिर इस कदर अपनी वर्किंग की अमेज़न के ऊपर, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 8 अकाउंट्स हैं, 6 UK के अकाउंट हैं और 2 USA के अकाउंट हैं। अच्छा, पाकिस्तान में क्यों नहीं, मतलब ये अमेज़न पाकिस्तान में इसलिए बैन हो चुका है क्योंकि ये स्टार्ट सबको पता है कि मियाँ चन्नू वाले साइड से हुआ था। ठीक है, उन्हीं लोगों ने लोगों के साथ स्कैम ही इस कदर किया था क्योंकि जब आप देखें कि अगर मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ ना तो मेरी यहाँ का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, आईडी कार्ड लगेगा, आईडी कार्ड के ऊपर हमारा एड्रेस मेंशन होता है कौन से ज़िले का और कहाँ रहने वाला है। पहले उन्होंने ज़िला वाइज बंद करना शुरू किया, अब जैसा कि शेखुपुरा या लाहौर है या ऐसे कोई भी बड़े ज़िले हैं, अगर लाहौर को बंद कर दिया तो मैं इस्लामाबाद के ज़िले में बैठता हूँ जाके। अच्छा, मैंने इस्लामाबाद में बैठ के स्कैमिंग शुरू कर दी। ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने पूरा पाकिस्तान ही अब बैन कर दिया है, ब्लैक से हम रेड में एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ से पॉसिबल नहीं है अमेज़न को ऑपरेट करना। हाँ जी, ऑपरेट करना, और ये भी नहीं आगे इन फ्यूचर नज़र आ रहा कि अमेज़न को यहाँ से ऑपरेट किया जाएगा कि नहीं। अच्छा, उन्होंने मतलब पूरे पाकिस्तान का नाम लगा दिया है और जो जो रियल में काम, जो हकीकत में काम करना चाहते थे उनका भी खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ गया। Okay. मैंने अमेज़न पे ग्रिप हासिल करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग की तरफ रुझान अपना किया, वो सीखा मैंने।
डिजिटल मार्केटिंग के बाद मैं डेवलपमेंट में आ गया, फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी मेरी कंप्लीट है। दैट्स ग्रेट। अच्छा तो जो यंगस्टर्स नेक्स्ट टेक का मैं सीईओ हूं, फाउंडर हूं नेक्स्ट टेक का। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है जी। और नेक्स्ट टेक के मतलब एक नाम है, मकाम है, उसने बहुत कम अरसे में एक अपना नाम बनाया। आपने वो बताया कि अरफा करीम जो है इंस्टीट्यूशन, उसके साथ भी आपका इलाहाक हुआ है। नेक्स्ट टेक में काम करने के बाद, अपनी वर्किंग को ऊपर ले जाने के बाद, मैंने अब अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर का डायरेक्टर हूँ। अरफा करीम की एक ब्रांच मेरे साथ है, मैं उनका उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अरफा करीम का डायरेक्टर भी हूँ। That's great. अच्छा जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, हैं बिल्कुल ले हैं वो, उनको कुछ पता नहीं है, वो किस तरह मतलब इस फील्ड में आ सकते हैं और किस तरह अपना नाम बना सकते हैं, या आपसे कॉन्टेक्ट करके वो मतलब आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है तो वो समझाएं, उनको बताएं कुछ। करना ये चाहिए कि अपनी जिस भी फील्ड में हम मेंटर हो रहे हैं उसके ऊपर ही ग्रिप रखनी चाहिए। हमें अपना गोल ही एक रखना चाहिए। जब हम ऑप्शंस में पढ़ते हैं तब हमें हमारा वीएन क्लियर नहीं होता, अब हमने करना क्या। हमारा गोल ही एक होना चाहिए कि हम जिसमें एंटर हो गए उसके लिए कश्तियां जला दो, बाद में रिजल्ट देखो क्या मिलता है। ये बात, कश्तियां जला के अगर पाएंगे तो कुछ ना कुछ बन जाएंगे। जिस तरह हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल है डॉक्टर सादिया चौधरी जी, जी बिल्कुल, उनका मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू किया था तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, उनकी सक्सेस स्टोरी कवर करके मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका इंटरव्यू करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भी कम अरसे में मतलब जीरो से स्टार्ट लेके माशाल्लाह अपना एक नाम और अलग मुकाम बनाया। तो मतलब इस तरह की चाहते हैं कि और भी स्टोरीज बने इस तरह की, और भी हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं आपको देख के, सादिया जी को देख के, मतलब वो पाकिस्तान का नाम रोशन होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ जिस तरह आपने पहले बताया कि वो अपने एक ज़िले का नाम बताया, मियाँ चनू वालों ने बहुत ख़राब किया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का नाम डुबोया, अमेज़ॉन को बंद करने का वो मुअज्जब बने। तो हम चाहते हैं ऐसे लोग आपकी मतलब आईटी, ये वर्ल्ड ओवर मीटिंग होती है हर मंथ जिसमें पूरी दुनिया के लोग अटैच होते हैं गूगल मीट के ऊपर, और बीइंग अ पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत दफ़ा हम शर्मिंदा भी हुए हैं, नहीं भी बोला जाता हमसे। जिन्होंने स्कैम किया है उनकी आज गलतियाँ हम देख रहे हैं लाइव बैठ के। कोई भी गोरा हम पे जल्दी ट्रस्ट ही नहीं करता, पाकिस्तानी डेवलपर बैठा हुआ है इसके साइड पे। ओह माय गॉड, ओह माय। लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा पाकिस्तान का नाम रिबिल्ड करने में, जहाँ तक हमसे मेरे से मुमकिन हो रहा है। मैंने अब तक अपने किसी भी ग्रांट के साथ, मेरा क्योंकि टोटली वर्किंग ही बाहर है, बाहर के साथ है, मैंने किसी की भी क्लाइंट के साथ अब तक पाकिस्तान के नाम को गंदा नहीं किया, मैंने ऊपर ही लेकर आया। और आपके मतलब माशाल्लाह स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, उनको भी आप यही समझाते हैं कि भाई जी जी आईटी का इंस्ट्रक्टर भी हूँ और तो सॉफ्टवेयर हाउस भी है मेरा, तो आईटी की ट्रेनिंग भी हम देते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिएगा अपने काम को लेकर। जब आप पॉजिटिव चलेंगे, अगले बंदे के साथ आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला की ज़ात रिवार्ड जरूर। बिल्कुल जी, अगर आप देखें जिस तरह अमेज़ॉन की बात की और आप आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप एक नंबर तरीके से काम करते हैं तो बहुत अर्न कर सकते हैं, बहुत आप अपना नाम बना सकते हैं। बहुत सी मिसालें आपके पास मौजूद हैं, उज़ैर भाई हैं, वो शाहिद अनवर साहब हैं जो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो भी अमेज़ॉन से गए हैं और बेशुमार नाम है। तो उनको देखिए, उन्होंने किसी के साथ स्कैम नहीं किया, ये किसी के साथ स्कैम नहीं कर रहे, बहुत कम एज में माशाल्लाह ये भी एक मकाम में बैठे हुए हैं। जी उज़ैर भाई, कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया और यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैंने क्रिप्टो से स्टार्ट किया था, क्रिप्टो के बाद में जब अमेज़ॉन में आया तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से अमेज़ॉन सीखा जिन्होंने मेरे साथ स्कैम की, मतलब आइडिया था उनके बाद जब कमाने की बारी आती थी पता चलता है क्लाइंट कहाँ से मिलना, ये चीज़ कोई बताता ही नहीं था। ऐसे पैसे बहुत सारे लोगों के पास आया किए, तब मैंने अपना एक माइंड और एक ड्रीम बताया था कि मैं भी एक टाइम आने के बाद एक आईटी इंस्टीट्यूट इदारा बनाऊँगा जहाँ पे लोगों के साथ स्कैम नहीं होगा। जिस चीज़ के लिए जो भी उम्मीद बंदा लेकर आ रहा है उसको हम प्रॉपर गाइड करेंगे, उसको प्रॉपर हर चीज़ सिखाएंगे। बस तब से ही मैंने ये ड्रीम को चलाया है। तो मैंने नेक्स्ट टेक का फाउंडर हूँ, मैं नेक्स्ट टेक आईटी इंस्टीट्यूट बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें मेरी सिस्टर मेरे साथ मिली डॉक्टर सादिया चौधरी, उनके मिलने की वजह से मेरा ये ख्वाब फुलफिल हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, ड्रीम फुलफिल हो रहा है मेरा। हर्डल्स तो बहुत आई होंगी लाइफ में, बहुत ज़्यादा और टफ टाइम ऐसा आया कि जेब में एक रुपया भी नहीं था, ऐसा भी टाइम आया है जेब में एक रुपया भी नहीं होता। और अगर कोई देखे तो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ मालिक फाउंडर, तो ये मेक इट बाय, ऐसा टाइम भी आया हुआ है। अच्छा अच्छा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत नहीं आ रही, हारे नहीं है। मतलब यही मैसेज है जो देखने वालों के लिए कि हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत लगे रहना। आप किसी भी फील्ड में चले गए हैं, बस एक दफा कश्तियां जलाते हैं लेकिन पॉजिटिव होके
عزیر بھائی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کی سکسیس اسٹوری سن کے بہت اچھا لگا، اور ہمارے ناظرین کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. ناظرین آپ اس حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے اپنی فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. ہماری ای میل آئی ڈیز اس وقت اسکرین پہ چل رہے ہیں، اس پہ آپ کی فیڈ بیک ضرور آنی چاہیے. واٹس ایپ نمبر بھی چل رہا ہوگا، اس پہ بھی آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. عزیر بھائی جانے سے پہلے ہمارے ناظرین کو کوئی اور اچھا سا میسیج آپ دینا چاہیں تو یو مور دین ویلکم. ابھی آپ پریزنٹ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹلی سب کچھ ہمارا آن لائن سسٹم ہے، سب کچھ آن لائن ہے، اور ابھی اتنا ایڈوانس ہے تو آنے والا کتنا ایڈوانس ہوگا. آئی ٹی کے بیسک چیزیں جو میجر ہیں، بندہ ان میں سے ایک چیز کے اوپر گرپ کر لیں، اس کی آگے اسپیشلائزیشن آئے گی. جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہارٹ کا ہوتا ہے، ہارٹ نے آگے جا کے چینج نہیں ہو جانا، بالکل ہارٹ نے وہی رہنا ہے، اندر اسپیشلائزیشن آئے گی. میں اپنی آڈینس کو، لوگوں کو یہی میسیج دوں گا کہ اسکل کی طرف آئیں، اسکل کی طرف، اسکل کی طرف آئیں. اسکل ایک وہ چیز ہے کہ کبھی بھی انسان کو بیک پہ نہیں جانے دیتا. آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے تو آپ کا وہ ضرور ساتھ دے گا. اور آئی ٹی تو وہ ایسا ایک ہنر ہے جو ساری زندگی انسان کا چلنا ہے. کیا بات ہے، بہت بہت زبردست میسیج ہے جی، اور اس میسیج کو اپنے پلے باندھ لیجیے. اگر آپ اپنی لائف کو بالکل عزیر صاحب کی طرح بنانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی لائف کو ڈاکٹر سعدیہ چودھری کی طرح بنانا چاہتے ہیں، تو ایسے میسیجز کو اپنے پلے باندھ لیجیے اور اس پہ پھر عمل بھی کیجیے. اپنے وہ سید کامران سکندر کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ایک نئی سیلیبریٹی، نئے جذبے اور نئے امنگوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.